A quadratic polynomial curve in the shape of a semicircle is given below. We have to find the equation of this curve. तो आप देखो जो ये curve है ना, ये curve x axis को इस point पर intersect करता है. इस point के coordinates हैं 2, 0, मतलब x की value 2 है तो y की value 0 है. ये curve एक y axis को intersect करता है 0, 2 point पर, मतलब x की value 0 है यहाँ पर और y की value है 2 यहाँ पर. ओके, इन्होंने एक तीसरा पॉइंट नहीं दिखाया है. इस फिगर को देखकर पता चलता है कि ये पॉइंट जो होगा ना, अगर ये पॉइंट 2, 0 है तो उतना ही ये पीछे है, तो ये हो जाएगा -2, 0. तो पहली बात, आपको ये -2, 0 मालूम होना चाहिए, इसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे. ओके, या फिर यूँ समझ लो कि आपको -2, 0 भी गिवन है, या आप शेप को देख कर आइडेंटिफाई करोगे कि दिस पॉइंट इज़ -2, 0. चलें शुरू करते हैं. तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो जनरल फार्मूला होता है, ये होता है y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये पॉलीनोमियल बनकर तैयार हो जाएगी अगर हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाए. ओके, तो देखो हमें तीन कोऑर्डिनेट्स मालूम है. एक कोऑर्डिनेट है -2, 0, दूसरा है 0, 2, तीसरा है 2, 0. तो इन तीन की हेल्प से हमको a, b, c मिलने वाला है. ओके, सबसे पहले मैं 0, 2 को रखता हूँ इस पॉलीनोमियल में. ओके, सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन दिस पॉलीनोमियल. ओके, इन द पॉलीनोमियल. सो मैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये पॉइंट्स रख रहा हूँ 0, 2, क्योंकि ये जो कर्व है इसी कर्व पर ये तीनों पॉइंट आते हैं. तो अगर मैंने कर्व की इक्वेशन को ये मान लिया है तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ रख सकता हूँ. ये तीनों पॉइंट्स इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं. तो y की जगह मुझे लिखना है 2 और x की जगह मुझे लिखना है 0, बाकी सब एज इट इज़ कॉपी करना है. तो y को मैंने लिखा 2, x को मैं लिखूँगा 0. तो a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c. जहाँ x था वहाँ मैंने 0 लिखा, जहाँ y था वहाँ मैंने 2 लिखा, बाकी a b c को मैंने कॉपी कर दिया है. तो ये हो जाएगा 2 इज़ इक्वल्स टू ए इंटू 0 स्क्वायर 0 बनेगा, b इंटू 0 0 बनेगा, ये सब कुछ 0 बन जाएगा, सिर्फ c बचेगा. तो c की वैल्यू 2 आ चुकी है. तो इस इक्वेशन में c तो मिल गया, अब a और b मिल जाए किसी तरह से हमें. तो अब मैं इस पॉइंट को रखता हूँ -2, 0 को इस पॉलीनोमियल में. तो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन द पॉलीनोमियल. तो कॉपी करते हैं, y की जगह मैं 0 लिखता हूँ, a को मैं a लिखता हूँ और x स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस b लिखता हूँ, x की जगह -2 लिखता हूँ, प्लस c लिखता हूँ. तो ये सॉल्व करने पर बन रहा है 0 इज़ इक्वल्स टू 4a, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, -2 ने b को मल्टीप्लाई किया तो -2 भी मिलेगा, प्लस c. c की वैल्यू मालूम है आपको 2, हम पीछे फाइंड कर चुके हैं. तो 4a -2b प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 है, इसको कुछ मान सकते हो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो. अब हम 2, 0 को इसी पॉलीनोमियल में पुट करेंगे. सो लेट्स पुट 2, 0, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रख देते हैं पॉलीनोमियल में. तो y इज इक्वल्स टू, मतलब 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर ए इंटू 2 स्क्वायर प्लस बी एक्स बी इंटू 2 प्लस सी. सी की वैल्यू 2 है. ओके, 0 हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, ये 2b है प्लस 2 है. 4a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, आप इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हो. ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी. फर्स्ट इक्वेशन थी 4a -2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4a -2b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इसके ऊपर लिखी हुई. तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. 2b -2b 0 बन जाएगा, 4a प्लस 4a 8a हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 4 हो गया है इज़ इक्वल्स टू 0. तो 8a की वैल्यू -4 और a की वैल्यू -4/8, तो a की वैल्यू -1/2 बन जाएगी. अब a की इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रखकर b की वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, वरना एक दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका ये है, a की वैल्यू -1/2 को रख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, आपको b मिल जाएगा. हमें दूसरे तरीके की बात कर रहा था कि आप यहाँ पर ऐड करने के बजाय अगर सब्ट्रैक्ट कर लो ना, तो आपको मिल जाएगी b की वैल्यू. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस फोर ए हो जाएगा, माइनस टू बी से ये प्लस टू बी हो जाएगा और ये माइनस टू हो जाएगा। फोर ए माइनस फोर ए ज़ीरो हो गया, टू बी प्लस टू बी हो गया फोर बी, प्लस टू माइनस टू हो गया ज़ीरो, तो कुछ नहीं बचा, ज़ीरो बचा राइट साइड में। तो बी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो अपॉन फोर, जो कि ज़ीरो होता है। ओके, तो बी की वैल्यू ज़ीरो मिली है हमें, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू मिली है और सी की वैल्यू टू मिली है। अब बना सकते हैं अपनी पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल थी वो थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ए की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू ज़ीरो है और सी की वैल्यू टू है, तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर और ये वाला पार्ट तो ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो बन जाएगा, तो आगे आप प्लस टू कॉपी कर लो। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर।